अब देखते हैं मेदुलरी स्पॉन्जी के बारे में। जो मेदुलरी स्पॉन्जी किडनी है ना, इसमें मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसमें पेनलेस हेमेटूरिया हो रहा है। क्या हो रहा है? पेनलेस हेमेटूरिया मतलब कि यूरिन में ब्लड आ रहा है लेकिन आपको किसी भी तरह का पेन नहीं है। अब जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो किडनी नॉर्मल भी हो सकता है और सिस्ट दिखेगा मेदुला में, ठीक है। तो इसमें अगर दो चीज़ें, मैंने इसका अगर रूल आउट करने के लिए कहे तो इसमें क्या होगा, तो मेनली रीनल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, लेकिन रीनल सेल कार्सिनोमा में आपको सिस्ट नहीं दिखेगा, किडनी नॉर्मल होगा। या फिर ट्रांजिशनल कैंसर ऑफ ब्लेडर भी देखने को मिल सकता है, उसमें भी सिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पेशेंट में क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होंगे। कॉम्प्लिकेशंस में अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस बोलें तो किडनी स्टोन, मतलब इस पेशेंट को पहले कभी किडनी स्टोन हो चुका है, हेमेटूरिया या यूटीआई देखने को मिलेंगे। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो क्रोनिक रीनल फेलियर का होता है वो डायबिटीज होता है, और क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता किसके म्यूटेशन के कारण है, तो इसमें जो सिस्ट होते हैं ना वे बहुत सारे कारण के कारण होते हैं, लेकिन ये किडनी स्टोन से रिलेटेड है। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, गौत आएगा, ठीक है। तो गौत आएगा तो हमें सोचना है मेदुलरी सिस्टिक के बारे में, उसमें भी एक टाइप में होता है एक टाइप में नहीं होता है। अगर किडनी स्टोन या रीनल फेलियर का बात आएगा तो हमें सोचना है मेदुलरी स्पॉन्जी के बारे में, ठीक है। अब